और क्या हाल चाल है मेरे शेरों, सब कुछ बढ़िया ना। तो दोस्तों, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, वो तुझे पता चल गया ना उसके हाथ में फोन है। तो दोस्तों, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, उसका कोई चार्जर भी तो होगा। हे वो भाई, मतलब तुझे ये भी पता चल गया कि उसके पास चार्जर भी है। वाह यार, दोबारा अगर तूने ऐसी वाहियात हरकत की ना, तब तू देखना। छोड़ो इसको। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन का जो चार्जर है आपके पास, जिससे आप फोन को चार्ज करते हैं, उसके अंदर जो केबल है वो कभी ना कभी आपके हाथ से टूटा तो जरूर होगा, और टूटा भी बिल्कुल इस जगह से है ना। अरे भाई मार मत, मैं तो बस ये बता रहा था कि तुझे ये भी पता चल गया कि उसके हाँ मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। ये ले। आप लोग एक काम करो, तब तक इंट्रो देख लो, मैं इसको निपटा के आता हूँ। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने। तो दोस्तों, मुद्दे की बात अभी ये है कि भाई जब भी हमारा डेटा केबल खराब होता है, हम बिल्कुल दौड़ते हैं मार्केट में। मतलब ज्यादातर ब्रांडेड जो केबल्स फोन के साथ दिए जाते हैं ना, वो नॉर्मली खराब नहीं होता, वो सिर्फ टूटने की वजह से ही रिप्लेस किया जाता है। बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे मेरे बातों के साथ। तो जैसे ही आपका ओरिजिनल वाला डेटा केबल टूटा, आप दौड़े मार्केट में। नॉर्मली आप नहीं, 90% लोग यही करते हैं, ठीक है। और मार्केट में जाके ना सबसे सस्ते से सस्ता डेटा केबल वो ढूंढते हैं, और उनको ये लगता है कि भाई एक डेटा केबल से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये थोड़ा सस्ता ले लिया तो। और उनमें से भी बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ब्रांडेड डेटा केबल्स भी अलग से आते हैं। अभी उनका क्या बताओ, मुझे खुद नहीं पता था। हाँ, और नहीं तो सच बोलने में शर्म कैसी। मतलब कल नहीं, 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि भाई अलग से डेटा केबल भी मिलता है, अलग से चार्जर भी मिलता है। मुझे तो लगता था कि भाई फोन के साथ जो देता है उसी को लाइफ टाइम चलाना होता है। है जो भी है, उसके बाद आप मार्केट से एक सस्ते से सस्ता 99 रुपीज वाला एक डेटा केबल घर पे लेके आ गए, और अपने फोन को ना मस्त ऐसे चार्ज पे लगा के देख रहे हैं कि भाई काम कर रहा है या नहीं। ऑब्वियसली नया है, काम तो करेगा ही। तो उसके बाद आपको ये वहम हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा एक चलाक और समझदार आदमी है जो कि खुद का पैसा बचाना जानता है, और फालतू के लोग हैं ये जो ब्रांड ब्रांड के पीछे भागते हैं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इधर एक लेकिन है, जी हाँ, क्योंकि आपने जो सस्ता वाला मामू को परचेस किया है ना, वो बहुत जल्दी अपना रंग दिखाने शुरू भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसको इतने प्यार से घर पे लाए हैं ना, वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि उसका ना तो कोई वारंटी रहता है ना कोई गारंटी। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भी डेटा केबल्स आते हैं जिनका तो कोई कवर ही नहीं रहता, मतलब बिल्कुल ऐसे ही खुले में बिक रहे हैं, 50-55 रुपए का बिक जाता है। और भी है, सुनो, इसके साथ जब भी आप अपने फोन को चार्ज करेंगे ना, इसकी असर डायरेक्ट बैटरी पे होगी। रुको, और भी है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन का जो बैटरी कंजप्शन है वो बढ़ जाए, या फिर चार्जिंग का जो स्पीड है वो तो डेफिनेटली कम ही होगा आपके ओरिजिनल चार्जर के मुकाबले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैटरी को ये कंप्लीटली खराब भी कर दे, क्योंकि जितना क्वांटिटी में पावर सप्लाई चाहिए आपके फोन को चार्ज होने के लिए, उतना ये दे नहीं पाता है नॉर्मली। क्योंकि ये जितने भी सस्ते के केबल्स आते हैं ना, ये काफी ज्यादा सस्ते मटेरियल से ही बनाया जाता है, और ये वैसे करके ही बनाया जाता है कि बहुत जल्दी खराब भी हो जाए, ताकि आपको वापस से नया लेना पड़े। और बिल्कुल ऐसे करते करते आप अगर गिनते जाएंगे ना, तो देख लेना आपको साल भर में एक से दो डेटा केबल तो आराम से लग जाएगा। लेकिन उसके बदले में अगर आप अपने ही जो आपका जिस भी ब्रांड का आपका फोन है, उस ब्रांड का डाटा केबल परचेस करते हैं, तो वो साल भर नहीं, कितने दिन जाएगा वो आपके ऊपर है। अरे रुको, और भी है। दोस्तों, ये जो चीप डेटा केबल्स आते हैं ना मार्केट में, ये आपके स्मार्टफोन को ना सही से कनेक्ट भी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा जगह यहाँ पर रह जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मेरा हेडफोन है, मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था मुझे, तो इसका जो चार्जर है वो उससे ही खो गया, किसी तरीके से खो गया। तो मुझे कहा कि भाई एक तू केबल ले ले अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना। तो उस वक्त मैंने ये एक नॉर्मल केबल परचेस किया था, ठीक है। तो इसको जब भी मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं ना, तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होता है, और ऐसे अगर मैं हिलाऊं ना, तो ये आराम से हिलता रहता है, ऐसे लगता है कि सही से कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका अगर ओरिजिनल चार्जर मुझे तब मिल जाता, या फिर मिल अगर जाता, तब
तब मैं आपको दिखा सकता था कि ये कितनी अच्छी तरीके से फिट होता है। और ये जो चीज है ये आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सस्ता डेटा केबल पड़ा हुआ है घर में तो आप अपने फोन में लगा के ऐसे हिलाइए तो देखिए वो आराम से हिलेगा और आपको लगेगा कि सही से फिट नहीं हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही खराब हो गया मेरा भी डेटा केबल, देखना है यहां से सही है, यहां से सही है, गिर मत। ये देखिए यहां से भी एक कट लगा हुआ है तो खराब हो गया, मतलब चार्ज हो रहा है कभी कभी छोड़ देता है चार्ज, मतलब यहां से बहुत सारे वायर वगैरह टूट गया है, अगर आप देख सकते तो आप देख लीजिए। तो मैंने इसको मंगवाया है और इसके साथ तो दोस्तों इसको फाड़ के मुझे ये मिला, ये कुछ कोविड 19 वाला चीज है, इसको साइड में करते हैं, और ये मिला, इसको फेंक देते हैं। तो यहां से आप इसको कहीं पे टंगा के रख सकते हैं, टंगा के ही बोलते हैं ना, मतलब झुला के रख सकते हैं। और इसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे, देखिए यहां पर सारी डिटेल्स लिखा है, देख सकते हैं आप। तो इसको अभी हम जा रहे हैं अनबॉक्स करने, सच बताऊं फट रहा है मेरा इतना सा अनबॉक्सिंग करने में, मतलब कभी किया नहीं ना। ये चीज ना मुझे काफी पसंद है, इसको काटना देखो यार, मतलब अलग ही मजा है इसमें। हा 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 हा, काट लिया मैंने, इसको अभी खोल रहे हैं। तो 3, 2, 1 ये निकल गया हमारा डेटा केबल, इसको भी धीरे से उठाएंगे, हट जा। इसके कपड़े खोलेंगे बहुत ही शान से, कहां से खोलूं, अबे खुल जा, नहीं खुलेगी तो काट दूंगा ऐसे। अबे ये भी नहीं कर रहा, ये खुल गया। ये देख सकते हैं आप Realme का माइक्रो USB केबल जो कि यहां पर व्हाइट कलर में है मेरे पास, और ये इस फोन में ना दिखा नहीं सकता मैं, इसी फोन में है ना, आराम से फिट हो रहा है। बस इतना ही अनबॉक्सिंग था, कभी किया नहीं है, खराब लगे तो डिसलाइक मत मारना और एक चांस देना, ठीक है। अबे यार एंडिंग लगाना ही भूल गया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का ऐसे, और अगर खराब लगा तो कुछ मत कहो, प्यार से बोल दो कि भाई ये चीज खराब लगा, नेक्स्ट टाइम से बेहतर कर लेंगे। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, पैसे थोड़ी दे रहा हूं मुझे, हां कर लो, चलो बाय। मेरे रास्ते के बीच में जो अड़चन बने तो फिर कल के न्यूज़पेपर में मिसिंग वाली खबर छपेगी तेरी, तेरी सारी चीजें मेरी मेरे